बिहार के मुजफ्फरपुर में जिंदा जलाई गई लड़की की सोमवार देर रात मौत हो गई। दरअसल 7 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के अहियापुर में छात्रा को दरिंदों ने आग के हवाले कर दिया था। इस घटना में युवती 80% झुलस गई थी। गंभीर हालत में उसे पहले मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर 10 दिसंबर को उसे पटना के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एक ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और अब पीड़िता की मौत के बाद पटना में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आक्रोशित लोग मुजफ्फरपुर प्रशासन को कोस रहे हैं और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो भारी नाराजगी मुजफ्फरपुर के लोगों में। तो 7 दिसंबर को जिंदा जलाई गई लड़की की मौत हुई है, जिसके बाद काफी रोष लोगों में बना हुआ है। 7 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के अहियापुर में छात्रों को दरिंदों ने केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया था और 80% पीड़िता जल गई थी। इलाज चल रहा था, गंभीर हालत में उसे पहले मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 10 दिसंबर को उसे पटना के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया उसकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन अब लड़की की मौत के बाद काफी रोष नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो पटना के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई थी ये पीड़िता। एक आरोपी को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है, दूसरे कोर्ट में सरेंडर किया था। तो अब जो मृतक के परिजन हैं, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाए जाने की मांग की जा रही है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, मृतका का अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये कहना मृतका के परिजनों का। तो बेहद नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं और एक के बाद एक घटनाएं सामने आने के बाद उन दावों पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो इस घटना में युवती 80% झुलस गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो पुलिस की अगर माने तो गांव के एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक युवती के घर के अंदर घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसमें विफल हुआ तो उसने युवती को आग के हवाले कर दिया और इसी दौरान जो युवती थी वो 80% जल गई। अब मृतक के जो परिजन हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते हैं, तब तक वो अंतिम संस्कार शव का नहीं करेंगे। भारी नाराजगी लोगों में बनी हुई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जो दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी।